नहमद हुआ नसलीअ रसूल करीम अम्माबाद फ़ाउज़ बिल्लिमिनशन बसमिल्लर शुरूअल्ला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहाय रहम करने वाला है नासिर मुहमद नासिर ऑफिशियल के साथ मैं हाज़िर हूँ आज का अनवान है क्या रफाश दैन करना जायज़ है या नजायज़ है कुछ लोग जो कहते हैं कि रफाज दैन करना जो है वो बिदत है जायज़ नहीं है लिहाजा आज इसके हवाले से हम हदीस की रोशनी में देखेंगे कि रफाज दैन वाकई करना जायज़ है या नहीं जायज़ एक और बात बता दूँ अल्लाह के नबी अलैहि वसम ने फरमाया कि अगर आपके सामने सही हदीस पेश की जाए और उसके बाद अगर कोई मुसलमान ये कहता है कि मैं नहीं मानता तो इसका मतलब है वो मुझसे कता तल्लक करता है यानी उससे मेरा कोई तलक नहीं है यानी अल्लाह के नबी से तलक ना होना ऐसे ही है गोया दीन से कोई तलक ना हो लिहाज़ा अल्लाह के नबी की सही हदीस को ना मानने वाला उसका मतलब ये है कि वो दीन को नहीं मानता अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम को नहीं मानता तो लिहाजा सही हदीस जो है जब आपके सामने पेश की जाए फिर आप पर वाजब है ये नहीं कि पसंद और नापसंद अपने लेकर आएँ उसमें ऐसे नहीं है दीन जो है वो पसंद और नापसंद का नहीं है लिहाजा दिन वही है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया और करके दिखाया रफाई दैन के हवाले से सही बुखारी हदीस नंबर सात सौ पैंतीस सात सौ छत्तीस सात सौ सैंतीस सात सौ अठत्तीस सात सौ उनतालीस सात सौ पैंतीस सही बुखारी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद जो है नमाज शुरू करते वक्त अपने दोनों हाथों को कंधों तक उठाते थे इसी तरह जब रकू के लिए अल्लाह अकबर कहते और जब अपना सर रकू से उठाते तो दोनों हाथों हाथ भी उठाते रफाई दैन करते और कु से सार मुबारक उठाते हुए समीमद रबाना वलक हमद कहते थे सजदे में जाते वक्त रफाई दिन नहीं करते थे लिहाजा सात सौ पैंतीस सात सौ छत्तीस सात सौ सैंतीस और सात सौ अठतीस सात सौ उनतालीस सही बुखारी की हदीस है अगर कुरान जीत के बाद अगर कोई सही हदीस की यानी सबसे बेहतरीन जो अदीस है वो सही बुखारी है सही बुखारी के बाद सही मुसलम आती है फिर उसके बाद दूसरी अदीस आती हैं तो लिहाजा सही बुखारी की हदीस को कोई शख्स रद्द नहीं कर सकता लिहाजा रफाश दैन करना जो है अदीस से सबत है लिहाजा इस पर कोई दो राय नहीं है कि कोई शख्स जो है जब अल्लाह के नबी की हदीस सुन ले उसके बाद उस पर अमल ना करे दुआ है अल्लाह ताली हमें समझने की तफ़ीकता फ़रमाए अल्लाह हाफ